बारिश का सीजन है और आपके घर से पानी टपक रहा हो तो सेंटेंस कैसे आएगा? हम बोलेंगे इट वॉज ड्रीपिंग फ्रॉम द सीलिंग. वॉटर वॉज ड्रीपिंग फ्रॉम द सीलिंग मतलब छत से पानी टपक रहा है. नीचे धीरे धीरे तालाब भी हो जाएगा, इतना लीकेज है. तो लीकेज के बदले ये वर्ड आता है इट वॉज ड्रीपिंग. ड्रिप माने छत से पानी टपकना. रेशमा इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है. आप अगर चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और हाँ बेल की घंटी वो भी दबानी है ताकि नोटिफिकेशंस दस्तक दे आपके मोबाइल पर और हम और आप बातें करते रहे क्योंकि बातें करना जरूरी है. बहुत बाहर बारिश है और आप पूरा का पूरा भीग कर आए हो, हमेशा की तरह अम्ब्रेला भूल गए, तो इस सिचुएशन में क्या बोलेंगे? आई गॉट ड्रेंच्ड मतलब मैं पूरा भीग गई. आप वेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे. आई गॉट ड्रेंच्ड मतलब मैं पूरा भीग गई. इस साल ये न्यू वोकैबुलरी जरूर इस्तेमाल करना. बारिश का सीजन है और बारिश के वर्ड्स है. कभी कभी बारिश आती है जाती है, आती है जाती है, तो उससे कैसे डिस्क्राइब करोगे? आप बोलोगे इट वॉज रेनिंग ऑन एंड ऑफ. और बारिश का सीजन है और पकोड़े ना खाए, ये तो हो नहीं सकता. जी हाँ, कल संडे था तब मैंने मेरे घर पे पकोड़े बनाए थे. आप जानते हैं पकोड़ों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंग्लिश में बोलते हैं उसे फ्रिटर्स. Yesterday I had fritters at my home. मतलब घर पे मेरे पकोड़े बनाए थे. आपको कुछ डाउट है? देख लेना, रेसिपी आगे है. Enjoy. सबसे पहले बेसन लिया और एक आलू के इतने पतले पतले स्लाइसेस किए. उसके बाद बेसन में हल्दी, लाल मिर्च, नमक और हाँ थोड़ा सा इनो सोडा डालती हूँ ताकि ये एकदम क्रिस्पी और हल्का होता है. रिफाइंड ऑयल गरम करने के बाद एक के पीछे एक पकौड़ा तल लो. स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि तेल कम गर्म होता है. एक बार तेल गर्म हो जाए तो ये 15 मिनट में रेडी. ये 30 मिनट्स वाली रेसिपी है जो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये बारिश का मौसम है. बारिश की एक एक चीज, एक एक रेसिपीज में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. ये रहा रेडी. चाय के साथ खाइए, मजा आता है. और उसके साथ बारिश की बूंदे हो तो और भी मजा. ये बारिश वाली सीरीज आपको कैसी लग रही है जरूर बताना. और लाइक सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही क्योंकि आप मेरे वीडियो को पसंद जो करते हैं. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. कुछ थोड़े थोड़े सजेशंस हो जाए रेसिपीज के बारे में, नहीं तो मैं तो आपको एक एक रेसिपीज दिखाने वाली हूँ शॉर्टकट में, उसके साथ नए नए वर्ड्स भी. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.